हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी जनवरी की स्ट्रेटजी जो एग्जिट हुई है, उसके साथ में हमारी जो पांच ओपन पोजीशंस हैं, फरवरी की तीन पोजीशन और जो हमारा फ्यूचर है उसको। तो सबसे पहले निफ्टी का व्यू करते हैं। तो निफ्टी देखिए, हमने निफ्टी को सेल कर दिया है वापस से कहाँ पे, 18040। सुबह इंटीमेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि 18040 के नीचे जो है मेक और ब्रेक लेवल है, यहीं से बाजार पलटेगा, यहीं से गिरेगा और वो वहीं से गिरा। ओके, तो हमने लगभग इसको 18040 पर सेल कर ही दिया था। इस बार हमने वेट नहीं किया था, थोड़ा सा कंफर्मेशन लग रहा था कि ये गिर सकता है यहाँ से, तो हमने 18040 पर ही सेल कर दिया था इसको। ओके, और जो अभी हम देख पा रहे हैं निफ्टी में, तो बस एक ही लेवल बचा है जहाँ से पिछले 4 से 5 बार घुमा है, वही लेवल फिर से मैं बताऊंगा जो आपको पिछले 2 हफ्तों से बता रहा हूँ मैं, सेम लेवल है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, वो है 17800। ओके, 17800 से 1 2 3 4 5 बार घुमा है मार्केट, 17800 पे फिर से आ रहा है, इसको नहीं ब्रेक करेगा तो ये वापस से बाउंस करेगा और ऊपर जाएगा। तो हमें अब बैठ के ये देखना है बस कि निफ्टी जो है 17800 को ब्रेक करता है कि नहीं। ओके, नहीं ब्रेक करता है तो वापस से जैसे देखिए रेंज में फंसा हुआ है, वैसे ही बाजार फंसा रहेगा और मुझे लगता है कि इसको फंस जाना चाहिए। कब तक? बजट वाले दिन तक। बजट वाले दिन हमको सही डायरेक्शन मिल सकती है मार्केट की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बजट जैसे पिछले साल का था, कुछ नहीं था बजट में, वैसा ही बजट हो, कुछ भी नहीं हो बजट में, तो मार्केट फिर से फ्लैट रह सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के, तो वो तब रहेंगे बजट में जब हमारे टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा फर्क उसी चीज़ से पड़ेगा। अगर टैक्स में जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, उसके स्लैब में अगर बढ़ते हैं, जैसे 5 लाख से 8 लाख हो जाता है या 7.5 लाख हो जाता है, ये जो 20% है उसको बढ़ा के कि भाई अब 20% जो है 15 लाख से लगेगा, या फिर कोई ऐसा ही बड़ा चेंज जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर वो होता है उस केस में हमारा मार्केट एकदम बूम करेगा, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है बजट के अंदर। तो बाकी अगर बाजार को बजट पसंद नहीं आता है, गड़बड़ बजट दिखता है, तब उस केस में गिरेगा। और तो मेन जो मार्केट की डायरेक्शन है वो डिसाइड होगी 1 तारीख के बाद। तो 1 तारीख तक जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम ऐसा आगे भी दिख सकता है। और हमारा क्या लेवल है? हमारा लेवल 17800 का लेवल है, जिसके नीचे मार्केट टूट सकता है और 17400 और 200 की तरफ जा सकता है, उससे ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं कह सकते मार्केट के बारे में। और 1 तारीख के बाद जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 2 लेवल इनको ब्रेक करता है, ऊपर निकलता है, तब फिर हम सोचेंगे कि हाँ बाजार इस साल 19,000 या 20,000 जाएगा कि नहीं जाएगा। तब तक हमें 19-20 हज़ार के बारे में नहीं सोचना है, जब तक ये 200 का लेवल एक और दूसरा ये 270 का लेवल जो है इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी की, निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? 17911 पे। तो 17911 के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पर बंद होगी? हमारी स्ट्रेटजी 1200 के प्रॉफिट में बंद हुई है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ये स्ट्रेटजी बंद हुई है, और कुछ लोग को लॉस में भी हुई होगी, हमने बुक कर लिया था, तो हमारा जो है 1100 के लॉस में बंद हुई है, जो कि 1100 के प्रॉफिट में हो सकती थी। बट क्या था कि मार्केट हम सुबह से ही देखने लगा, ज़्यादातर मैं मार्केट देखता नहीं पोजीशन लगाने के बाद में, बट अगर आप मार्केट में बैठ जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करना शुरू कर देती है, और आज एक्सपायरी थी वो भी मंथली, तो मैं सुबह से ही बैठ गया था। और जब एक बार मार्केट ने 17900 के नीचे आया तो हमारा फ्यूचर तो हो ही गया था, तो हमने इसको जो है बुक कर लिया, बाकी सारे का एवरेज एक रख दिया, क्योंकि कोई कोई 50 पैसे 60 पैसे, तो उसमें एवरेज प्राइस सही नहीं आता, इसलिए सबका प्राइस एक रख दिया बाकी का। ठीक है, और उसमें 1100 का लॉस बुक किया, मतलब जनवरी में हमको कुछ नहीं मिला। बट उसके बगल में देखें तो हमने फरवरी की स्ट्रेटजी पहले ही बना ली थी एक, और वो स्ट्रेटजी जो है भी 7100 के प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी को मैं जल्दी एग्जिट करूँगा, और जिस दिन एग्जिट करूँगा मैं बता दूँगी, इसको मैं नहीं चाह रहा हूँ पूरे महीने तक रखने के लिए। 8000 के प्रॉफिट के ऊपर एक बार मैं सोचूंगा कि इसको बुक करना है कि नहीं करना है, अगर मार्केट कंसोलिडेट होता रहता है तब तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये 18000 के आसपास जाता है बाजार फिर से, तो हम इसको बुक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फरवरी की एक पोजीशन है, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोग के पास ये होगी,
इस पर हमने 18,500 के पुट को बाई किया है, उसके सामने 18,200 के दो सेल करे हैं। और ये हमने तब बनाए थे जब हमें लगा था कि मार्केट इस महीने 18,000 के नीचे नहीं जा रहा है, तो 18,000 के ऊपर रहेगा तो हमें उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट चाहिए था, तो ये स्ट्रेटजी ने हमको बना के दिया। ठीक है, उसके बाद फरवरी मंथ की हमारे पास एक और पोजीशन है, वो कौन सी है, 17,000 का पुट हमारा जो है दो लॉट सेल है और 17,500 का एक लॉट पुट बाई। ये स्ट्रेटजी फिलहाल अभी 1500 के प्रॉफिट में चल रही है और ये स्ट्रेटजी सेफ है हमारी कहाँ तक, ये स्ट्रेटजी सेफ है हमारी 16,500 तक, 16,500 में हमको 250 का लॉस होगा। और जैसे ही 16,500 का जो पुट है वो 10 रुपये मिलेगा तो हम दो लॉट बाई कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि अगर 16,500 के नीचे भी मार्केट जाता है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 16,500 का जो पुट ऑप्शन है 15 रुपये चल रहा है, मतलब 5 रुपये और ये गिर जाए, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 16,550 का है मैं इसको 10 रुपये से ले लूँ, क्योंकि 16,550 में अगर आप देखें तो 16,550 में हमें 2,500 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमको 16,550 10 रुपये से दो लॉट मिल जाता है, दो लॉट मतलब 10 रुपये 500 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमारा जाएगा, तो 2,200 में से अगर 1,000 चला जाता है तो हमारे पास बचेगा 1,200। मतलब ये है कि इसमें डाउन साइड में जीरो लॉस रहेगा, ओके, कितना भी मार्केट गिर जाए। बट अपसाइड में जो है, जैसे 18,500 जाता है अगर, तो 250 में हमें कितना ऐड कर देना है, हमको ऐड कर देना है इसमें 1,000, तो 1,250 का हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा इसमें। ठीक है, एक तो ये हो गई, इसको जो है हम पूरे महीने ले जाएंगे, इसको हम कहीं बीच में नहीं काटने वाले हैं, इसको हम पूरे महीने ले जाएंगे आगे तक, और 16,500 या 550 का पुट हम जरूर बाई करेंगे। ओके, इसके साथ में हमने एक और चीज़ ले ली है, मार्च की पहले से रख ली है कॉल साइड में। जनरली जो होता है कि जो कॉल साइड रहता है उसमें 500 पॉइंट के गैप में नो प्रॉफिट नो लॉस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फरवरी में अगर आप देखेंगे, और यही स्टडी में फरवरी के लिए बनाता, तो यहाँ पर 5,000 का लॉस होता ही होता, ठीक है, ओवरऑल लॉस की बात करें तो। बट यहाँ पर जो है हमने कितने से 287 के प्राइस से दो लॉट को सेल कर पाए और एक लॉट को बाय कर पाए। तो अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, जैसे 18,000 रह जाता है, तो हमें सिर्फ 50 रुपये का लॉस है इसमें, 17,500 भी रह जाता है तो भी 50 रुपये का लॉस है। हमारा लॉस इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, 19,000 के ऊपर। तो 19,000 के बारे में तो अभी हमने सोचा ही नहीं कि मार्केट 19,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमको इसमें कोई टेंशन नहीं है, ओके। और निफ्टी अगर 18,000 के आसपास भी घूमता रहता है तो बहुत ही बढ़िया, ये उसी के लिए मेनली बनाया है कि अगर निफ्टी गिरता नहीं है और 18,000 पे ही घूमता रह जाता है, यहाँ से मार्केट फ्लैट हो जाता है, तो ये स्ट्रेटजी जो हमें 10 दिन में 3,000 से 4,000 रुपये तो बना के देगी, 3,000 तो भी देगी। तो ये स्ट्रेटजी को हम ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाएंगे, बस इसमें हमको क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम 10-12 दिन में इससे निकल जाएं, बस यही हमारा एम है इस स्ट्रेटजी में। ये हमें फ़िलहाल 850 का दे रही है प्रॉफिट, हम इसमें 2,500, 3,000, 4,000 जब भी जैसा लगेगा मार्केट, जब तक 18,000 के आसपास घूमता रहेगा हम इसको बना के रखेंगे, जहाँ लगेगा कि मार्केट अब गिर रहा है पूरी तरह से और ये हमारा प्रॉफिट खा जाएगा, तो हम 2,500-3,000 अगर 18,000 पर रहता है, 4,000-5,000 देता है, तब तो हम वेट करेंगे, नहीं तो हम इसमें प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। इसको लंबा नहीं खींचना, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ। और जब हम इसको एग्जिट करेंगे और मार्केट गिर रहा होगा, तब हम एक लैग फरवरी की और ऐड करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट अभी 17,500 से के नीचे स्टार्ट होगा उसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे। वो क्या होगा वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, उसके बारे में अभी नहीं कह सकते, ठीक है, तो वो आगे जाके हमको यहाँ पर पता चलेगा। तो फरवरी की 3 पोजीशन अभी ओपन है, एक तो ये हो गई और दूसरी ये और तीसरी ये। उसके बाद आते हैं हमारी बैंक निफ्टी की। आज हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई है, ये वाली थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, क्योंकि अभी जो 39,800 का जो पुट है उसकी वैल्यू करीब 160 है, 150 है, तो मान के चलिए करीब 3,500 रुपये उसमें लगने हैं अगर एक लॉट में बाई करता हूँ, पर हमें वहाँ पर कितने चाहिए, दो लॉट चाहिए, तो 7,000-8,000 का हमारा प्रॉफिट जाएगा अगर उसको अभी हम बाई करते हैं, ठीक है। बट ये स्ट्रेटजी हमको प्रॉफिट देगी अगर निफ्टी 40,000 के ऊपर रह जाता है,
अभी 41,000 कुछ चल रहा है, 1,500 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा अभी हमको मिल सकता है यहाँ पर, बट देखते हैं। ये हमको प्रॉफिट देना चाहिए मार्केट में, अगर क्रैश नहीं होता। अगर मार्केट क्रैश हो जाता तब तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी इतना क्रैश होगा, इसीलिए मैंने इसको बनाया भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए 42,000 का 855 चल रहा है, और 39,800 187 चल रहा है, 39,700 167 चल रहा है। तो हमारा जो आखिरी इसमें सेल है वो कितना है, 40,000 है, 40,000 का पुट हमने यहाँ पर सेल कर रखा है। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी बैंक निफ्टी की, और इसमें हमको 10 दिन चाहिए, बस 10 दिन हमको मिल जाए तो हम इस स्ट्रेटजी को डाउन साइड के लिए कवर कर सकते हैं। अप साइड में इस स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए ये स्ट्रेटजी हमको लॉस नहीं देगी। देखिए 45,000 भी जाता है, ये 44,000 भी जाता है, तो भी 3,500 का ही लॉस प्रॉफिट रहेगा। अगर ये गिरता है यहाँ से, 40,000 आता है तो 15,000 का प्रॉफिट, 40,000 के नीचे एकदम से प्रॉफिट हमारा बदलना स्टार्ट हो जाएगा, 39,800 पर 5,000 का ही रह जाएगा, और 39,700 पर 850, बस 39,700 आखिरी हमारा। अगर अब मैं इसको 39,000 कर दूँ तो 25,000 से ऊपर का लॉस दिखाएगा, 34,000, 39,000 अगर निफ्टी चला जाता है तो उस महीने। तो देख लीजिए आप, ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है लेकिन बनाई जा सकती है, इतना जल्दी अभी लगता नहीं कि होगा कुछ। और दूसरा, प्रीमियम हाई इसलिए भी है क्योंकि 1 तारीख को बजट है, तो उसके पहले थोड़ी सी प्रीमियम हाई है, जैसे ही बजट होगा ख़त्म होगा तो उसके बाद ये प्रीमियम फटाफट गिरेंगी, और जो हमको मेन प्रॉफिट मिलेगा वो 40,500 और 40,500 की पुट में मिलेगा, मतलब इस वाले लेग में मिलेगा, क्योंकि हमने एक को कितने से 197 से सेल किया, दूसरे को 290 से, तो इन दोनों का टोटल करीब 400 का 100 पॉइंट का हमको यहाँ पर मार्जिन मिल रहा है 2,500 का सीधे सीधे। तो कुछ भी नहीं होता है तो भी हमको ये 5,000 रुपये 5 तारीख तक सिर्फ ये ऊपर वाली लेग दे देगी, और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, वो तो मार्केट की कंडीशन बताएं। तो फिलहाल ये स्ट्रेटजी अभी 850 के लॉस में है, जिसने नई बनाई है, जो बनाना चाहता है वो इसको बना सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत है, और ये सेफ है कहाँ तक, 40,000 तक, 40,000 तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है कितना, 41,600, नहीं बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, हाँ 41,655 चल रहा है, यही लेवल है। ये देखिए, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था बैंक निफ्टी में जब मैं लाइव आया था कि यही लेवल है, इसके नीचे निफ्टी जब जाएगा तो उसके बाद ही ये गिरेगा बैंक निफ्टी, और 40,000 पे इसको स्टॉप होना है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे जाए और यहीं पे घूमता रहे, और बजट भी कुछ बेकार सा आए जिससे मार्केट फ्लैट हो जाए एकदम, ना ऊपर ही जाए ना नीचे ही जाए, बस घूमता रहे, बस ये 40,000 से 41,000 के बीच में घूमता रहेगा तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ये स्ट्रेटजी, और जब एग्जिट करना होगा तो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो है हमारा निफ्टी फ्यूचर भी सेल हो गया आज ही, 18,040 से हमने इसको सेल किया है, अभी 17,911 ये चल रहा है, ओके, और ये 64,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 10 लॉट में हम इसमें कर रहे हैं, ओवरऑल अब हम इसमें 26,000 के प्रॉफिट में हैं। और एक अच्छी बात इसमें ये है फ्यूचर में कि हमारा जो फ्यूचर है उसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही नज़दीक में है, 18,060 पे, 18,060 पे आएगा, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं निफ्टी में, हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बुक करते हैं। अगर बुक करना होता तो अभी तक हम 300-400 पॉइंट आराम से बुक कर चुके होते, लेकिन हम अब क्या करते हैं, हम निफ्टी में अपना जो है प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बुक करते हैं। जैसे जैसे बाजार गिरेगा हम अपना स्टॉप लॉस जो है नीचे की तरफ लेते जाएंगे, ओके। और ये जो निफ्टी है इसका 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज है कि एक साल में अगर मैं 10 लाख में कर रहा हूँ तो मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट निकालना है एक साल में। क्या ये निकलता है कि नहीं निकलता है इस स्ट्रेटजी के साथ में, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। अभी तो शुरुआत है, तीसरा ही ट्रेड हुआ है अभी इसमें, और 25 तारीख आज ये तीसरा ट्रेड हुआ है इसमें, एक साल का चैलेंज है। आप देखते हैं कि एक साल में हम 10 लाख का प्रॉफिट 10 लॉट पे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इसके लिए, मिनिमम 20 लाख, क्योंकि इसका जो ड्रॉडाउन है वो 60% का है, ठीक है। इसमें मतलब हमारी जो पोजीशन है जो 26,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, ये 6 लाख तक माइनस में जा सकती है। 5 साल का टेस्ट है, और ये 2-3 बार गई है, कितने से,
60% के लॉस में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है और अपडेट आते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट का रेगुलर अपडेट दूँ, जो कि मैं नहीं दे पाता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट का रेगुलर अपडेट और स्ट्रेटजी का भी रेगुलर अपडेट मैं दे दूँ। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।